हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिक्षा धाम में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी कोर्स को बाय कैसे किया जाए और उसके ऊपर कूपन कोड कैसे अप्लाई किया। जैसे मुझे 11th क्लास की अकाउंटेंसी बाय करनी है, तो हम क्या करेंगे नॉर्मली 11th क्लास की अकाउंटेंसी बाय करने के लिए हम स्टोर में जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। या तो आप जैसे यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपके है क्या चीज़ कि 11th क्लास के अंदर स्कूल 10th 12th, जैसे 11th 12th में आ जाएगा हमारा, या स्कूल एकेडमिक में आ जाएगा। तो मुझे यहाँ 11th क्लास का दिख जाएगा। नहीं तो सबसे इजी आपके लिए, यहाँ पे आप 11th क्लास का बाय करना चाहते हैं तो 11th टाइप करिए। 11th टाइप करते ही आ गया। दूसरा तब भी आपको नहीं मिल पाता तो नाउ आपके पास सबसे ईजी वे है कि आप नीचे नीचे ड्रैग करिए और व्यू ऑल पे कर दीजिए। यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 11th क्लास आ गया, मैंने इसको बाय किया। बाय करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या क्लासेस होंगे देख लूँ। तो ऊपर आप जब देखेंगे जाएंगे तो व्यू कंटेंट, यहाँ पे ओवरव्यू के बाद कंटेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो कुछ इसमें फ्री क्लासेस हैं जिसको आप देख सकते हैं, कुछ के अंदर आपका लॉक लगा होगा लाइक इस तरीके से जो 2 मिनट्स के बाद बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्लासेस रहेंगी। अब हमारे पास जो प्राइसेस आ रही है, बाय कैसे करना है मैं दोबारा आ जाता हूँ। बाय जब करना है तो मुझे प्राइसेस शो हो रहा है 10 रुपये 26 पैसे, लेकिन डिस्काउंट कूपन भी लगाना है। तो नाउ मैं यहाँ पे नीचे नीचे ट्रैक करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, कूपन कोड अवेलेबल। व्यू करना है, अगर आपके पास कूपन कोड है तो जैसे कि यहाँ पे टाइप करके अप्लाई करना है। अगर नहीं दे रखा तो यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारा कूपन कोड अप्लाई हो जाता है। और अब देखिए प्राइस क्या आया, 1 रुपये 3 पैसे, यानी 9 रुपये का कूपन कोड था वो अप्लाई हो गया। फर्दर आगे हम जाएंगे और हम यहाँ पे दिल्ली से हैं तो दिल्ली सेलेक्ट कर लेंगे स्टेट को, और दिल्ली से सेलेक्ट करने के बाद नाउ हम फर्दर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास पेमेंट गेटवे आ गया। नाउ पेमेंट गेटवे में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करना चाहते हैं यहाँ पर टाइप करिए। इसके बाद आपको बैक आ गया, ये मैं आगे चलता हूँ लेके। अगर आप वॉलेट यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ोनपे का, UPI यूज़ करना चाहते हैं तो UPI यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं मल्टीपल नेट बैंकिंग है और यहाँ से नेट बैंकिंग सेलेक्ट भी कर सकते हैं। वॉलेट जैसे कि फ़ोनपे, अमेज़न पे, मोबीविक और भी बहुत सारे मल्टीपल दे रखे हैं आपको जियो। और इनफैक्ट आप EMI भी बना सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इस अमाउंट में जब हम मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ EMI का ऑप्शन नहीं आ रहा, बट अगर 1000 रुपीज़ से ज़्यादा का होता है तो आपको EMI बनाने का ऑप्शन दिया जाता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे UPI से बाय कर लेता हूँ। UPI से बाय करने के लिए मुझे जाना होगा UPI में, और मैंने UPI से बाय करने के लिए यहाँ पे गया, अपना UPI आईडी डाल देते हैं। और ये है UPI, जो भी आपका UPI आईडी है वो डाल सकते हैं। और ये आ गया बाय। इसके बाद नाउ आगे जैसे भी हम फर्दर जाएंगे तो ये बोल रहा है पेमेंट, तो मैं चलता हूँ अब अपने मेन एप्लीकेशन पे जहाँ से UPI की मुझे पेमेंट करनी है। तो सिंपल मैंने इसे एक्सेस किया और UPI के अंदर मेरे पास, आपके पास फ़ोनपे है, पेटीएम है, वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं। मैंने पेमेंट अप्रूव कर दिया और ये मैंने पेमेंट अप्रूव करने के बाद, और ये नाउ फाइनली पेमेंट हो गया। अब आप देखेंगे पेमेंट होने के बाद चलते हैं हम एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे मेरे पास क्या सिंबल आता है देखते हैं। अब एप्लीकेशन पे जैसे ही जाते हैं हमारे पास मैसेजेस पे आने जाते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपने बाय कर लिया, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपको अवेलेबल हो जाता है। नाउ देखिए अब बाय का ऑप्शन यहाँ से हट गया है। बाय का जैसे ही ऑप्शन हटा तो यहाँ पर बिल आ गया, और आप चैट ऑप्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इनवॉइस भी मिल जाएगा जो आपने बाय किया। फॉर एग्जांपल मैं चेक कर लेता हूँ क्या इनवॉइस है, तो इसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, जैसे कि लाइक बच्चे का नाम, किस मोड से पेमेंट किया, कितने रुपए का किया, डिस्काउंट कितना, ये तो बिल हो गई आपके। अब आप देखेंगे कोर्सेज के अंदर, तो ये कोर्स आपको जो बाय किया है आपने, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है, आपको ऑल कोर्सेज में यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए 11th क्लास का शो हो गया। नाउ मैं इसको अब कंटेंट में जाके
कोई भी कोर्सेज देख सकता हूँ। अब सारे कोर्सेज जब देखेंगे, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल आ गया, पहले डाउनलोड का ऑप्शन नहीं था। अब ये सारे वीडियो आप देख भी सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे फोल्डर वाइज चैप्टर बहुत ही सिंपल वे में आपको दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने पीडीएफ हैं यहीं पे अपलोड हो जाएंगे। लाइक जैसे देखिए वाउचर का पीडीएफ है, मैंने डाला हुआ है, मैं एक दिखा देता हूँ ओपन करके, ये देखिए। वैसे स्क्रीन हो सकता है मे बी ब्लैक हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, और इनफैक्ट आपको अदर फॉर्मेट में भी दे दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही कोर्स बाय करने के लिए और कूपन अप्लाई करने के लिए। अब आगे क्लास कंटिन्यू कैसे करें वो भी वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम अगले किसी नए वीडियो को लेके।